आप सभी का स्वागत है मिशन जामिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टूडियो में बात करेंगे जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कोर्स B10 BFA पेंटिंग। तो इस जो BFA पेंटिंग है, जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 2022 का, उसका एंट्रेंस का रिजल्ट आ चुका है और लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट भी आ चुका है। देखिए, ये जो स्टूडेंट है जिनका नाम सेलेक्टेड लिस्ट में है, उनको 24 अगस्त से 26 अगस्त के बीच उनको एडमिशन लेना है डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग में, जो का ऑफिस जो होगा हेड ऑफिस, वहाँ पर जाकर आपको लेना है। ठीक है, तो ये सारी डॉक्यूमेंट आप पढ़ लीजिएगा, जो भी चीज़ में लिखा हुआ है सारे चीज़ आपको लेके जाएंगे तो सही रहेगा, क्योंकि इन जब तक ये सारी फॉर्मेलिटी आप पूरी नहीं करेंगे आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इसको अच्छे से आप एक बार पढ़ लें, सब चीज़ लेके जाइए। तो आइए इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कटअप्स की, उसके बाद जो स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं उनकी एप्लीकेशन आईडी एंड रोल नंबर भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम कटअप्स देख लेते हैं। तो देखिए, जनरल के लिए जो कटअप गया है BFA पेंटिंग में 70.75, मुस्लिम 54.75, मुस्लिम OBC ST 50.75, मुस्लिम वुमेन 50.50, JK 53.25, जामिया इंटरनल 63 और PWD हेरिंग 44.25। ये तो हमने देखा कटअप्स। अब जो स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं उनकी एप्लीकेशन आईडी एंड रोल नंबर। देखिए, जनरल से 8 स्टूडेंट सेलेक्ट है, मुस्लिम 6, मुस्लिम OBC ST 2, मुस्लिम वुमेन से 2, जामिया इंटरनल 1, JK 1, हेरिंग पिरामिड से 1 सेलेक्ट हुए हैं। इसके बाद ये आपका आ जाएगा वेटिंग लिस्ट। आप वीडियो रोक के देख चेक कर सकते हैं कि आपका नाम जो है वेटिंग लिस्ट में है या फिर सिलेक्टेड लिस्ट में है। देखिए, जिनका वेटिंग लिस्ट है तो उनका थोड़ा बहुत उम्मीद है कि क्लियर हो जाएगा वेटिंग, चाहे लास्ट में जो कहीं भी, शुरुआत वाले का ज़्यादा चांस है वेटिंग क्लियर होने का। जितना सीरियल नंबर वेटिंग में आपका ज़्यादा होगा उतना कम चांस है आपका क्लियर होने का। और जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं है उनका बहुत कम उम्मीद है एडमिशन का। ऐसा नहीं कि इसके अलावा एडमिशन नहीं होता, हो सकता है अगर इतने सारे वेटिंग में से अगर कोई बच्चे फिर भी सीट खाली रह जाता है इतना वेटिंग क्लियर होने के बाद भी, तब आपको मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा होने का उम्मीद कम रहता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, वीडियो को रोक के आप पूरा देख सकते हैं। ठीक है, पूरा मैंने आपको उसमें सिलेक्टेड स्टूडेंट का भी और वेटिंग लिस्ट वाले का भी सारा चीज़ आपको दिखा दिया। बाकी आपको जामिया एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड या एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मिशन जामिया की टीम आपको उसकी रिप्लाई जरूर देगी। और जामिया से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप लोग मिशन जामिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।